मैं पूजा, मेरे YouTube चैनल ब्लॉग सिद कैपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहा दोपहर का 2 और जैस जस्ट आने वाला है आधे घंटे में। मेरा इधर लंच बन गया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने लंच में क्या क्या बनाया है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे नीलगाय आई हुई है, ये देखिए नीलगाय है, ये जंगल में चली गई है। मैंने बनाया है चावल, ये आलू गोल गोल काट के इसका मैंने चिप्स बनाया है, यहाँ पे मैंने करेला भूंजा है गोल गोल काट के, और इस पे जो है दाल है। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से कुछ प्लांट्स लाए थे, तो उसमें से कुछ पौधा मैंने कल ही शाम को लगा दिया था, और बाकी जो पौधा है उसके लिए कोकोपीट चाहिए था, क्योंकि उसको मैं गमले में लगाऊंगी, तो उसके लिए कोकोपीट चाहिए था बोल के मैंने कोकोपीट कल शाम को भिगो के रखा था। अभी जब जयश आएगा हम लोग लंच करने के बाद, फिर उसकी मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करके फिर लगाएंगे। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसी पेड़ के बारे में बोल रही थी, ये मेरे गार्डन के सामने तरफ है, कितना ख़राब लग रहा है, थोड़ा है फूल। अगर आप लोग ने देखा होगा वो वाला वीडियो जिसमें बहुत सारा फूल लगा हुआ था, इसमें पूरा उधर साइड से पूरा तोड़ ली, और कोई कोई डाल भी तोड़ डाली है। और ये देखिए मेरे लहसुन की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, ये लाल वाली लहसुन है, और मेरे पे मूली है, और ये मुझे किसी ने दिया था, इसका कटिंग लगता है, ये जो है खाली पत्ता ही पत्ता होगा, ये रेड कलर में है, और ये रेड और ग्रीन में है, और ये ग्रीन ज़्यादा है और रेड थोड़ा कम है। और ये जो है स्ट्रॉबेरी का पौधा है, शाम को इसको दूसरे पॉट में लगाऊंगी क्योंकि ये छोटा है पॉट। और यहाँ पे मेरा जो है सुबह सुबह एकदम जिस टाइम धूप निकलता है उसी टाइम यहाँ पे धूप रहता है, आंगन में चारपाई डाल देते हैं, तो यहीं पे बैठ के हम लोग नाश्ता वास्ता करते हैं, अभी लंच भी इधर ही करेंगे, और धूप में बॉटल भी रख देते हैं, पानी भी गर्म हो जाता है। कल हम लोग मार्केट से मैरीगोल्ड का पौधा लाए, इसमें ऑरेंज है, रेड है, येलो है और रेड है, और यहाँ पे 4 गमले हैं और एक रेक्टेंगल शेप में गमला है, उसमें जो है पिटूनिया लगाऊंगी, अभी लंच करने के बाद लगाऊंगी पिटूनिया। इसमें 3 प्लांट है पिटूनिया का, और इसमें डायंथस है एक, और इस बाल्टी में मैंने कोकोपीट जो मैंने भिगो के आलू रखा लगाया है। था सब आलू निकल गया है। ये जो है ये आलू है, ये सब आलू है, और मेथी भी बहुत अच्छा हुआ है। इसमें जो है पालक है, कुछ और भी कुछ छोटा छोटा जंगली जो है पेड़ पौधे निकल रहे हैं इसमें, इसको मैं सफाई करूंगी अभी कुछ दिन में, थोड़ा सा मिट्टी अभी गीला है, मिट्टी सूख जाएगा उसके बाद। और ये देखिए ये बाकला है, आप लोग जानते होंगे बहुत लोग, ये मटर जैसा फली होता है, इतना लंबा लंबा अंदर बीज रहता है, इसकी सब्जी मुझे बहुत पसंद है। और देखिए टमाटर भी सारा पकड़ लिया है, कुछ कुछ में तो फूल भी दिख रहा है मुझे, ये देखिए इसमें फूल भी लगे हैं। और ये मटर की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, देखिए सब मटर है। इसमें जो है गाजर है, ये सब धनिया है, धनिया भी काफी निकला है, और ये मेड़ पे सब मूली है, इस पेड़ में अमरूद देखिए कितने लगे हैं अमरूद, जो मेरे पड़ोसी है उनका पेड़ है, तो वो भैया रहते नहीं तो बोलते हम लोगों को खा लेने के लिए, देखिए अमरूद ही अमरूद दिख रहा है। और ये मेरे बैक साइड में मेरे आंगन में जो तुलसी मंदिर है उसके बगल में मेरा एक प्लांट है गुलाब का, उसमें देखिए कितने फ्लावर्स आए हुए हैं, पेड़ पे फूल कितना अच्छा लग रहा है, यही फूल अगर तोड़ लो तो कितना बेकार लगेगा पेड़। और स्पेशली गुलाब का सीज़न ही होता है विंटर सीज़न, इस टाइम बहुत खिलता है।
देखिए कितने सारे कलियां आई हुई है। तो ये मेरे जो पड़ोसी है उन्होंने ये प्याज का बीज डाला था, अभी 1-1.5 महीना पहले डाला था उन्होंने, और देखिए अच्छा निकल गया। अभी दिसंबर के लास्ट में लगेगा प्याज, इसको उठा के फिर एक एक करके लगाया जाएगा। उनका आलू भी काफी पहले लगा था, मैंने थोड़ा लेट लगाया था। उधर साइड में भी प्याज है, इधर गोभी है, और इस साइड में गन्ना है। पपीता भी अच्छा बड़ा हुआ है, अभी बस कुछ ही दिन में ये पकने वाला है। हम लोगों का लंच आ गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। तो मिक्सर में मैंने मिट्टी, गोबर की खाद, कोकोपीट, डीएपी, यूरिया और दीमक मारने वाली दवा ये सब दिया है। ये सब मिला के मिक्सर बनाऊंगी और इसको फिर पॉट में भरूंगी। तो मैंने देखिए मिक्सर बना लिया अच्छे से, अब इसको जो है पॉट में भर लेती हूँ। पॉट्स में आएगा जो है पिटूनिया प्लांटिंग कर रहे हैं। अब ये वाला लगाओ, ये वाला पर्पल वाला, पूरा 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 पर्पल वाला, ये वाला लेके जाओ, आराम से मिट्टी टूट जाएगा, बीच में लगाओ उसको। ये देखिए मैंने सारे में जो है पौधा लगा दिया है। इसमें स्ट्रॉबेरी है, ये भी स्ट्रॉबेरी है, ये डैंथस है, ये भी डैंथस है, इसमें पिटूनिया है, और इसमें जो कलरिंग वाला पत्ता होता है उसको मैंने कटिंग करके और 2 पॉट में लगा दिया है। अभी 5 बज गया है, फटाफट जाते हैं डांस क्लास जाते हैं, क्योंकि 5 ही बजे से है, 5 मिनट बाकी है 5 बजने में, तो डांस क्लास जाके मिलते हैं। डांस क्लास आए हुए थे, एक्चुअली आज क्लास है ही नहीं, मैसेज सर ने पहले ही डाल दिया था 4:30 बजे, मैं वो सब पौधा लगा रही थी बोल के मैं मैसेज बिल्कुल नहीं देख पाई थी। अभी मैं क्लास आ गई हूँ, यहाँ पे आके देखी हूँ कि लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं आई है, तो आज क्लास है नहीं। अभी जा रहे घर, घर जाके जो भी पौधा इधर उधर था उसको सब सेट करेंगे, पानी वानी लगाएंगे। डांस क्लास है मुक्ताकाशी, जयेश बैठा हुआ है,
और वो देखिए वो जो है नेट से घिरा हुआ है, वो गोल्फ ग्राउंड है। अभी शाम हो गया है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है। और ये हमारा जो एंट्रेंस है ये है, इफ़ यू फील यू कैन, अगर आप घर चलते हैं, घर जाके फिर जो भी पौधा इधर उधर है उसको सब सेट करते हैं। अभी हम लोग जो है चाय पी रहे, कॉफी चाय, ये जयेश के पापा के लिए, ये मेरे लिए, कुछ स्नैक्स ये है, हम लोग बंगाल में इसको मुड़ी भाजा बोलते हैं, मुड़ी भाजा। और जयेश ने अपना दूध फिनिश कर लिया है, अभी जयेश पढ़ाई कर रहा है, स्कूल का टास्क कर रहा है, उसके पापा पूरा एकदम दादू बन के बैठे हुए हैं, दादाजी बन के। तो चाय हम लोगों ने पी लिया है और अभी जो है मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में आज बन रहा है दाल चावल और आलू टमाटर की सब्जी। चावल बन चुका है, दाल भी बन रहा है और आलू टमाटर की सब्जी बन चुका है। और अभी जो है अभी मैं जयेश को जो सुबह में नाश्ते में दूंगी सेम आलू की सब्जी और रोटी, तो उसके लिए सेम और आलू अभी से काट के रख दूंगी क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो सुबह चावल बन चुका है, इसमें दाल उबल गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाकी है, और आलू टमाटर की सब्जी बन चुका है। देखिए जयेश भी है, मैं बाकी सब्जी काट लेती हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो मैं फिर कल आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।